Kumar Vishwas, who is standing against Congress Vice President Rahul Gandhi from UP's Amethi, today held a roadshow which was attended by a large number of people. Vishwas has been residing in Amethi since a long time and today he will file his nomination papers for the Lok Sabha polls. Before filling his nomination for the big fight, Kumar took blessings of the Almighty in a temple from where he began his roadshow. Vishwas said that he visited around 1100 villages and today on the day of filling his nomination, he is confident that he will turn out the winner here. पहली बार यहाँ रैली हुई थी, उसका नाम था जन विश्वास रैली। तब अमेठी की जनता को ये विश्वास दिलाना आवश्यक था कि ये वंशवाद का किला ढह सकता है, अमेठी के अपराधी, अमेठी का भावनात्मक शोषण करने वाले कांग्रेसी हार सकते हैं, उनके दलालों का कुचक्र टूट सकता है। और अमेठी के रामलीला मैदान में 50,000 से ज्यादा आए हुए अमेठी वालों ने जब हुंकार भरी और गाँव गाँव में गया, 40 रात गाँव में सोया, 1100-1150 गाँव में घूमा, उसके बाद आज नामांकन पर यह तय हो गया कि विजय का विश्वास सुनिश्चित है और यह तय किया गया है कि इस विजय के बाद एक जन विजय रैली की जाएगी कि जनता की विजय हुई। During his roadshow, which was attended by a large number of people, the AAP leader attacked his arch rival Rahul Gandhi for spending huge amounts of money on aeroplanes for election campaigning. Kumar also added that he will walk all the way to file his nomination papers and will be accompanied by the people of the region. इसलिए कि राहुल गांधी आते हैं हवाई जहाजों में, अभी वो नामांकन भरने के लिए आए थे तो 3 जहाज लेकर आए थे, एक अपने लिए, एक माता जी के लिए, एक जीजा जी के लिए। ये पैसा किसका था? सुरक्षा के नाम पर, NSC के नाम पर, SPG के नाम पर जहाज आने, ये मेरा पैसा है, आम आदमी का पैसा है, तो पैसा तो आप खा गए। मेरे पास ऑप्शन बचा कि मैं पैदल जाऊँ। अवध के बड़े कवि और हिंदी के हमारे पिता में बाबा तुलसीदास ने लिखा भी है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तुम हवाई जहाज से आओ, मैं पैदल पैदल जाऊँ। जैसे मैं गांव गांव गया हूं, 1150 गांव गया हूं, अब भी पहले चलकर नामांकन करूंगा। Looking at the kind of support he is receiving in the constituency, Kumar claimed that the Gandhi Sion will lose with a heavy margin. Overwhelmed with the response, the AAP's Amethi candidate calls it Jan Utsav. इससे भी ज्यादा आप देखिए, पूरी अमेठी सड़क पर उतर आई है। मैं कह रहा हूँ आप गाड़ियों में बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगा। कोई हर एक कह रहा है नहीं, हम भी आपके साथ पैदल चलेंगे। तो ये जो अमेठी का कार्यकर्ता, अमेठी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये इस बात का सूचक है कि राहुल गांधी न केवल हार रहे हैं बल्कि भारी मतों से हार रहे हैं। ये सब गाँव के लोग हैं जो अपने आप बाजा लेकर सड़कों पर आ गए हैं, अपने आप गुलाल लेकर सड़कों पर आ गए हैं, और इसी का नाम जन उत्सव है, इसी का नाम विजय विश्वास यात्रा है। दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय NNIS।